आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से हल्द्वानी यहाँ पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के सब स्वागत करिए। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आरणी महाराज जी उत्तराखंड की माटी के ही लाल हैं और उत्तराखंड के लोग विशेषकर वैसे तो पूरे भारत में जहां भी जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमेशा लोगों में उत्सुकता रहती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का विशेष स्नेह उनसे रहता है। आज पूरा देश में आरणी महाराज जी द्वारा जो अभी आरणी भट्टी भी कह रहे थे, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए हैं, उन कामों की धमक आज पूरे भारत के अंदर सुनाई देती है। देश के हर राज्य में आज योगी जी की डिमांड होती है, हर जनसभा के लिए उनका ही नाम प्रमुखता से आता है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि देश का बच्चा बच्चा भी आज उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगा है। भाइयों बहनों, दो हजार सत्रह से पहले जब आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश को एक विमानू राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और उत्कृष्ट प्रदेश बन गया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। यूपी में अपराध पर अंकुश लगा है, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर का जो बूम आ रहा है तेजी से, आज देश दुनिया के लोग वहां निवेश कर रहे हैं, एक अलग प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में निर्मित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ाने का संकल्प लिया है, उसमें उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने 1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हम सभी के आराध्य देव भगवान राम बला, हम सब जानते हैं अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व अपने महल के अंदर मनाने वाले हैं। और मैं बहुत पहले, मैं लखनऊ में पढ़ता था, मैं जब अयोध्या गया था तो मैंने देखा कि राम बला टेंट में है और मुझे बहुत दुख हुआ था भाइयों बहनों। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय महाराज जी के संकल्प से अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हर भारतीय राम भक्त का और राज भक्त का सपना साकार हो गया है। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ पहले अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा था कितना सकरा एक छोटा सा रास्ता हुआ करता था। कोई गंगा का, कोई महादेव का भक्त अगर गंगा का जल लाकर भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहता था तो उसमें भी तमाम समस्याएं होती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के और आज महाराज जी के कार्यों से डबल इंजन की सरकार ने वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। पूरा हाईवे जैसा आज काशी विश्वनाथ के अंदर जाने का मार्ग बन गया है। भाइयों बहनों, इस प्रकार से बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी सरकार उत्तराखंड के अंदर भी जो आपने सरकार बनाई है उसने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। यही हल्द्वानी में अभी भट्टी बता रहे थे, जमरानी बांध जो कई दशकों से रुका हुआ था, जमरानी बांध को यहाँ स्वीकृति मिल गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। HMT की जो फैक्ट्री है उसकी जमीन भी हमको मिल गई है, जल्दी यहाँ हाईकोर्ट शिफ्ट होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है। हल्द्वानी शहर हमारा 2200 करोड़ रुपए की लागत से इसका पूरा मास्टर प्लान, उस पर काम होना शुरू हो गया है। पिछले दिनों ही हमने 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास किया था। अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी
हम सबको करनी है, हम सब लोग उसके लिए भी तैयार हैं। इसके साथ साथ राज्य के अंदर कुछ ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं, जो पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण के कारण से जिन निर्णयों को नहीं ले पाई थी, जैसे आप सबके सामने हमने संकल्प किया था कि चुनाव में कि नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता का विधेयक पास करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है कि आप सबने जो हम सबको मौका दिया, हमने समान नागरिक संहिता UCC का विधेयक विधानसभा में पारित करके राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको जो है अपनी मंजूरी दे दी है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से नकल विरोधी कानून लागू किया गया, लैंड ग्राब के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई है, महिलाओं को 30% का आरक्षण, धर्मांतरण विरोधी कानून, ऐसे अनेक काम हुए हैं। अभी हमने एक महाराज जी से वहीं से प्रेरणा लेते हुए दंगा रोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर बना दिया है। भाइयों बहनों, आपने देखा कि वन भूमपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से वहां पर उपद्रव करने का प्रयास किया गया, हमारे पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, हमारे पत्रकार भाइयों को जिस प्रकार से जान से मारने की कोशिश की गई, भाई वैसे ऐसी इन घटनाओं की अब उत्तराखंड में पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार की घटनाओं की यहाँ पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम दंगा रोधी कानून लेकर आए हैं। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई भी तोड़फोड़ करेगा, कोई सरकारी संपत्ति निजी संपत्ति का नुकसान करेगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, आज हम जहां संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली हमारी पार्टी है, भाजपा है, जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके गठबंधन के दल हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है मैं और मेरा परिवार और उनका विकास। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण का जहर बोलकर अभी 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। एक तरफ देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। भाइयों बहनों, दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की बात कही जाती है। विधानसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण करके वोट बैंक की राजनीति से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथी आज भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगाते हैं और लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर देश के अंदर मैं कांग्रेस और उसके गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, अगर देश में धारा 370 हटाना, समान नागरिक संहिता लागू करना, CAA से पीड़ितों को हक दिलाना, वंदे मातरम गाना और हिंदू होने पर गर्व करना सांप्रदायिक है तो हम लोग सब सांप्रदायिक है। भाइयों बहनों, हम स्वीकार करते हैं इसको, लेकिन हम दोगले नहीं है जो वोट बैंक के हिसाब से कभी टोपी कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण में इतनी अंधी है कि देश हित के हर फैसलों का विरोध करती है। कांग्रेस की वोट बैंक की घटिया राजनीति के चलते भारत के वीर सैनिकों के बलिदान और शौर्य पर भी लगातार सवाल उठाने का काम करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तक को झूठा करार दे चुके हैं। भाई बहनों, सैनिकों का अपमान करते हैं, सैनिकों का कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया। देश के अंदर 40 साल से रुका हुआ वन रैंक और वन पेंशन लागू करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लागू हुआ। भाइयों बहनों, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, मैं जानता हूं। भाइयों बहनों, हमें इस तुष्टीकरण और वोट बैंक की घटिया राजनीति को करारा जवाब देना है और इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर हमारे इस लोकसभा से अजय भट्ट जी को भारी बहुमत से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक जीत दिलानी है। मैं हल्द्वानी के देवकुंज मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि विकसित उत्तराखंड के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए और भ्रष्टाचार के अंत के लिए भाजपा को चुने और आप सभी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मत दें। मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आदरणीय महाराज जी का यहाँ हल्द्वानी आगमन पर, देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों बहनों, आप सब लोग मेरे साथ एक बार जोर से मुट्ठी बांध कर बोलिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद।